त्रेता युग की अयोध्या की चमक इस बार दिवाली से पहले ही देखने को मिल रही है। 30 अक्टूबर को अयोध्या में होने वाले 8वें दीपोत्सव को लेकर पूरे देश की नजरें प्रभु राम की इस पवित्र नगरी पर होगी, जहां एक साथ 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। भगवान राम के मंदिर में 500 वर्षों बाद विराजमान होने के उपलक्ष्य में अयोध्या में इस बार 25 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में करीब 200 साधु संत और 1100 वैदिक सरयू नदी की महाआरती करेंगे। खास बात यह है कि इस महाआरती में काशी का भी विशेष योगदान होगा, क्योंकि अयोध्या में होने वाले इस आरती में बनारस की आरती भी सम्मिलित की जाएगी। दीपोत्सव के इस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले भगवान राम और माता सीता का राजाभिषेक करेंगे। इसके बाद सरयू नदी की महाआरती में सम्मिलित होंगे, जो जय श्री राम के उद्घोष और शंखनाद के साथ आरंभ होगी। राम की पौड़ी पर अवध विश्वविद्यालय के 30,000 वॉलेंटियर एक साथ 25 लाख दीपक जलाकर अयोध्या को एक बार फिर से विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करेंगे। सरयू नृत्य आरती स्थल के अध्यक्ष शशिकांत दास ने बताया कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से हर दीपोत्सव पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता आ रहा है। इस वर्ष का दीपोत्सव भी इसी कड़ी में एक और कीर्तिमान जोड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम और माता सीता के राजाभिषेक के बाद 1100 वैदिक विद्वानों के साथ सरयू नदी के किनारे महाआरती में सम्मिलित होंगे। इन सभी वैदिक विद्वानों, जिनमें संस्कृत के छात्र और वैदिक ज्ञानी शामिल हैं, के साथ लगभग 200 संत भी हिस्सा लेंगे। बता दें, भगवान राम की नगरी को इस भव्य आयोजन के लिए विशेष रूप से सजाया जा रहा है। यह आयोजन अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर में विराजमान होने के बाद का पहला दीपोत्सव होगा, जिसे ऐतिहासिक बनाने के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।